तरह गांठ लगा लेना, सात चैन बना लेना, एक दो सात, सात चैन बना लेना। पहला चैन में सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, दो चैन बना लेना, एक दो। इस सर्कल में दस बार डबल क्रोशिया बनाना, दस बार, एक दो, ये दस, दस बार डबल क्रोशिया बन गया। दो चैन बना लेना, एक दो, और पहला में एक बार डबल क्रोशिया और दूसरा में दो बार, एक दो डबल क्रोशिया दो बार। अब इसी तरह हर एक में डबल क्रोशिया बना लेना, दो दो बार, और लास्ट में एक बार बनाना डबल क्रोशिया एक बार, एक दो चैन बना लेना। पहला में एक बार डबल क्रोशिया, इसके अगला में एक बार डबल क्रोशिया, इसका अगला में दो बार, दो बार। अब इसमें एक बार बनाना डबल क्रोशिया, इसमें एक बार, इसमें दो बार, इसी तरह कंप्लीट कर लेना। इसमें पीला कलर के धागा जोड़ लेना, दो चैन बना लेना, दो, इसको खींच लेना। पहला में एक बार डबल क्रोशिया बनाना, दूसरा में एक बार, तीसरा में दो बार बनाना डबल क्रोशिया, एक दो। अब इसी तरह इसमें एक बार बनाना, इसमें एक बार बनाना, इसमें दो बार बनाना, इसी तरह कंप्लीट कर लेना। इधर एक बार डबल क्रोशिया बनाना, इधर दो बार डबल क्रोशिया बनाना। अब दो चैन बना लेना, एक दो, और पहला में एक बार डबल क्रोशिया, इसके अगला में एक बार डबल क्रोशिया, अब इसमें दो बार डबल क्रोशिया, दो बार, एक बार डबल क्रोशिया बनाना, दो में डबल क्रोशिया, अब इसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना। अब इसी तरह कंप्लीट कर लेना। अब इसमें हरा कलर का धागा जोड़ लेना, दो बार चैन बना लेना, इसके खींच लेना। पहला में एक बार डबल क्रोशिया, इसके अगला में एक बार डबल क्रोशिया, इसके अगला में एक बार डबल क्रोशिया, अब इसमें दो बार डबल क्रोशिया इसमें बनाना, एक बार इसमें बनाना है डबल क्रोशिया, इसमें एक बार बनाना, इसमें एक बार, तीन बार एक एक बनाना, और चारवा में दो बार बनाना डबल क्रोशिया, इसी तरह कंप्लीट कर लेना। इधर एक बार डबल क्रोशिया बना है हारा, और इधर दो बार डबल क्रोशिया बना है हारा, दो चैन कर लेना, एक एक बार डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, अब इसका अगला में तीन बार डबल क्रोशिया, अब इसमें दो बार बनाना, दो बार डबल क्रोशिया, तीन बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना, और चारवा में दो बार बनाना डबल क्रोशिया। जिस तरह बना इसी तरह कंप्लीट करना। इधर एक बार बना है डबल क्रोशिया, इधर दो बार बना है, इधर एक बार बना है, इधर दो बार, तो इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, सिकुड़ना ना चाहिए। फिर पीला कलर का धागा जोड़ लेना, एक दो चैन बना लेना, पहला में एक बार डबल क्रोशिया बना लेना, इसके अगला में फिर एक बार बना लेना, फिर इसके अगला में बना लेना, फिर इसके अगला में बना लेना, एक दो तीन चार बार। अब इसमें पांचवा में दो बार बनाना, दो बार डबल क्रोशिया, चार में एक एक बार बनाना डबल क्रोशिया, पांचवा में दो बार बनाना। इसी तरह ये डिजाइन कंप्लीट कर लेना, दो चैन बना लेना, हर एक में
डबल क्रोशिया, हर एक में डबल क्रोशिया बनेगा एक एक बार। इसमें अब एक बार डबल क्रोशिया, हर एक में डबल क्रोशिया एक एक बार बना लेना। ये सिकुड़ना ना चाहिए। पीला में हरा कलर जोड़ लेना, दो चैन बना लेना, एक दो, इसके खींच लेना। एक बार डबल क्रोशिया इसमें बना लेना, इसके अगला में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेना। अब इसका अगला में दो बार बनाना, एक दो, इसमें दो बार बनाना, इसमें एक बार बनाना डबल क्रोशिया, फिर इसमें एक बार बनाना, इसमें दो बार बनाना। अब इसी तरह कंप्लीट कर लेना पूरा। जिस तरह ये बना है इसी तरह एक लाइन और ऊपर बना लेना, सिकुड़ना ना चाहिए। अब इसमें पीला कलर के धागा जोड़ लेना, एक दो चैन बना लेना। हर एक में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना, हर एक में दो चैन बना लेना, हर एक में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के पूरा ये कंप्लीट कर लेना। दोनों धागा काट लेना, सफेद ऊन जोड़ लेना, इसमें गांठ लगा लेना, दो चैन बना लेना, एक दो, इसी में एक बार बनाना डबल क्रोशिया, एक दो तीन छोड़ के इसमें सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, फिर दो चैन बना लेना। अब इसी में फिर एक बार डबल क्रोशिया बना लेना, एक दो तीन छोड़ के इसमें बांध लेना सिंगल क्रोशिया से, दो चैन बना लेना, एक दो, फिर इसी में एक बार डबल क्रोशिया बनाना, दो चैन बना लेना, एक दो, एक बार डबल क्रोशिया इसी में, फिर तीन छोड़ के सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। इसी तरह डिजाइन कंप्लीट कर लेना। दो चैन बना लेना, इसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना, दो चैन बना लेना, इसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना, दो चैन बना के इसमें दो बार बनाना डबल क्रोशिया, एक दो, दो चैन, एक दो चैन, इसमें दो बार, एक दो, दो चैन बनाना, एक दो। अब इसी तरह कंप्लीट कर लेना। ये इसी तरह 20 राउंड लपेट लेना, तागा मन पसंद के ऊन से बना लेना, निकाल लेना इस तरह, बीच में से काट लेना, इसके सारे को इस तरह काट लेना, ये बीच में से निकाल के बांधना इस तरह, इस तरह निकाल के इस तरह बांधना। एक ऐसा धागा काट लेना और इसके पकड़ के बीच में बांध लेना इस तरह, इसी तरह बांध लेना गेंदा हर एक में, इसी तरह इसमें बांधना, इसी तरह इसमें बांधना, इसी तरह इसके बराबर काट लेना कैंची से, इसी तरह कंप्लीट कर लेना। माता जी के पैर बनाने के लिए सबसे पहले पांच चैन बनाना, दो तीन चार पांच, पांच चैन बन गया। अब धागा लपेट के पहला में निकाल के एक ही धागा से बांध लेना। अब इसी तरह चार बार बनाना, दो, चार बार बना लेना, चार बार बन गया, दो चैन बनाना, एक दो, तागा लपेट के निकाल के पहला में एक ही तागा से बांध लेना। इसी तरह इसके अगला में बांध लेना, इसके अगला में इसी तरह बांध लेना, तीन बन गया। ये दो चैन बना है इसमें दो बार बनेगा, तागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना एक बार और इसी में बनाना, दो बार दो चैन बनाना, एक दो। अब इधर
एक बार बनाना, इधर दो बार बनाना, इधर दो बार, सेम इसी तरह बनेगा। दो और इधर दो बार बनाना, धागा लपेट के निकाल के एक ही धागा से बांध लेना। फिर इसी तरह धागा लपेट के निकाल के एक ही धागा से बांध लेना, दो चैन बनाना, एक दो, और एक बार बनाना, एक दो तीन, तीन बार बन गया। और धागा लपेट के निकाल के रोक लेना, धागा लपेट के निकाल के रोक लेना, अब एक ही धागा से बांध लेना, चैन मत करना, पहला वाला छोड़ के दूसरा में बनाना, एक धागा लपेट के निकाल के इसी तरह बांधना, दो तीन, एक बार और बनाना, चार, दो चैन बनाना, एक दो, पहला में एक बार, इसी तरह उसके अगला में एक बार, इसके अगला में इसी तरह बनेगा, इसमें दो बार बनेगा, धागा लपेट के निकाल के बांध लेना, फिर इसी में एक बार और, दो चैन बनाना, एक दो, एक एक बार और बना लेना, दो, अब इसमें धागा लपेट के निकाल के बांध लेना, अब इसी तरह ये बार बार बना लेना, लास्ट में इसमें एक बार बनाना, दो चैन बना लेना, एक दो, अब इसमें दो बार बना लेना, धागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, दो बार बन गया। अब इसी तरह हर एक में बना लेना, धागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, धागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, दो चैन है इसमें दो बार बनाना, धागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना दो बार, एक दो चैन बनाना। अब इसमें एक बार बनाना, इसके अगला में फिर एक बार बनाना, तागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, हर एक में एक एक बार बना लेना, और लास्ट में दो बार बनाना, दो चैन बनाना, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ अब डबल क्रोशिया बनेगा, ये भी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये नौ के हैं, ये भी नौ के हैं, आ ये भी नौ के हैं, अब डबल क्रोशिया बनेगा, एक नौ बार डबल क्रोशिया बनेगा, दो, हर एक में इसी तरह डबल क्रोशिया बना लेना नौ बार, ये दो चैन है नौ, नौ बार डबल क्रोशिया बन गया, एक चैन बना लेना, अगर लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, एक दो, धागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, तीन, एक बार डबल क्रोशिया बना लेना, चार, फिर धागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, अब एक बार सिंगल क्रोशिया बांध लेना। अब इसमें मत बांधना, इसमें बांधना, इसमें 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 इस तरह, अब सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, अब इसमें बनाना पांच बार, इसमें इसमें धागा लपेट के
निकाल के एक ही धागा से बांध लेना, एक दो तीन चार सिंगल क्रोशिया बांध लेना, पांच, दो डबल क्रोशिया छोड़ के इसमें बांध लेना, दो डबल क्रोशिया छोड़ के इसमें बांध लेना, एक बार दो चैन है इसमें बनेगा, इस सिंगल क्रोशिया से बांध लेना एक बार, धागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, दो तीन चार सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, पांच। अब इसमें बनाना, फिर सिंगल क्रोशिया से इसमें बांध लेना, फिर धागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, दो तीन चार सिंगल क्रोशिया बांध लेना, पांच। अब ये दो चैन है इसमें बनाना, अब इसमें सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, धागा लपेट के निकाल के एक ही तागा से बांध लेना, एक बार और बांध लेना, अब सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, अब इसके काट लेना, ये माता जी के पैर बन गया। अब इधर धागा बांध लेना लाल कलर के, अब इसी में धागा बांध लेना, एक दो चैन बना लेना, एक छोड़ के दूसरा में सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, फिर दो चैन बनाना, एक दो, फिर एक छोड़ के दूसरा में बांध लेना सिंगल क्रोशिया से, फिर दो चैन बनाना, एक दो, फिर एक छोड़ के अब इसमें बांध लेना सिंगल क्रोशिया से, इसी तरह ये बाउंडली कंप्लीट कर लेना। दो चैन बना लेना, ये सीधा है ये उल्टा है, एक पैर सीधा बनेगा और एक पैर उल्टा बनेगा इसी तरह, तभी ये इस तरह बनेगा। अंगली के बीच में सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, फिर दो चैन करना, एक दो, अब इधर सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, फिर दो चैन करना, एक दो, फिर इधर बांध लेना सिंगल क्रोशिया से, एक दो, इधर बांध लेना दो सिंगल क्रोशिया से, एक दो, इधर भी एक दो चैन करना, फिर इधर बांधना सिंगल क्रोशिया से, फिर दो चैन करना, एक दो, अब इसके इधर बांध लेना, एक दो, अब इसके इस तरह धारी बना लेना, इसी तरह जोड़ा में पैर बना के कंप्लीट कर लेना। ये लक्ष्मी माता का पैर है, जोड़ा में लेके सी लेना, और दिवाली में जरूर बनाना। इस तरह सुई से इसके चारों तरफ से सी लेना। तो उन पट्टी सीखने के लिए चैनल पर जाके वीडियो देख लेना। 23 बार बनाना है, और जिस तरह ये बना है इसी तरह दो और बना लेना, इस तरह सी लेना, ये चारों तरफ से सी लेना, ये चीटा ये चीटा इधर बांध लेना, ये चीटा इधर बांध लेना, इस तरह इधर गेंदा बांध लेना, इस तरह इधर बांध लेना, इधर इसी तरह कंप्लीट कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, मेरे चैनल से जुड़े रहना।